लंबे समय से कोरोना वायरस की जांच के लिए रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट की डिमांड की जा रही थी। अब केंद्र सरकार ने राज्यों को किट्स भेजना शुरू किया तो इस पर सवाल भी उठने लगे। पश्चिम बंगाल ने किट्स को डिफेक्टिव बताया है तो अब राजस्थान सरकार ने कहा है कि इस टेस्ट के नतीजे सटीक नहीं आ रहे। ये कहते हुए राजस्थान ने टेस्टिंग पर रोक लगा दी। इस तरह रैपिड टेस्ट किट की विश्वसनीयता को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। ICMR ने भी इन शिकायतों पर संज्ञान लिया है और 2 दिन तक रैपिड टेस्ट पर रोक लगा दी है। राजस्थान सरकार का कहना है कि सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कोरोना के 100 मरीजों पर इस किट के जरिए टेस्ट किए गए, जिसमें से 5 का रिजल्ट ही पॉजिटिव आया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने बताया कि हमारी तरफ से कोई प्रक्रियागत चूक नहीं की गई है और किट्स को सही टेम्परेचर में रखा गया है, इसके बावजूद गलत रिजल्ट आ रहे हैं। रघु शर्मा ने बताया कि हमने फिलहाल टेस्टिंग रोक दी है और ICMR को इसकी जानकारी दे दी है।